दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको धर्मेंद्र और अजय देवगन की एक अनरिलीज्ड बॉलीवुड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है युद्धवंश। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अजय देवगन, करिश्मा कपूर, जया प्रदा, मुकेश खन्ना, डैनी डेंजोंगपा और गुलशन ग्रोवर। इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे केसी बुकाडिया और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे एच अनराज। तो दोस्तों, ये बात है साल 1992 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज़ हो गया था। और बात करें इस फिल्म के इंटरेस्टिंग कास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि युद्धवंश एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होने वाली थी, जिसमें एग्रेसिव धर्मेंद्र और इंटेंस अजय देवगन की जोड़ी बेहद खास होने वाली थी। और मेरे ख्याल से इस तरह के रिलेटेबल एक्टर्स की पेयरिंग किसी भी फिल्म के लिए एक श्योर शॉट सक्सेसफुल ट्रिक होती है, जहां लीड एक्टर्स के फैंस रेलेवेंसी की वजह से मर्ज हो जाते हैं और किसी भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर स्टेटस दिलवा देते हैं। और देखा जाए तो साल 1992 में अनाउंसमेंट के बाद इस फिल्म की शूटिंग तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये फिल्म कुछ टाइम के लिए डिले हो गई थी। और अजय देवगन और करिश्मा कपूर, जो उस टाइम पे न्यू कमर्स थे और उन दिनों वो एक साथ बहुत सी फिल्मों में भी काम कर रहे थे, तो इस फिल्म के डिले हो जाने की वजह से अजय देवगन और करिश्मा कपूर ने इस फिल्म से अलग हो जाने का फैसला किया, और इस वजह से ये फिल्म और भी ज़्यादा डिले हो गई। और फिर बाद में प्रोड्यूसर एच अनराज भी लीगल फाइनेंशियल मैटर की वजह से इस फिल्म से अलग हो गए, और फिर केसी बोकाडिया ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया, और उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी में भी काफ़ी चेंजेस किए और बहुत से न्यू एक्टर्स को इस फिल्म में साइन किया। और इस फिल्म का नाम भी युद्धवंश से तब्दील करके वक्त सिकंदर है रख दिया। और देखा जाए तो ये फिल्म 1992 में बनना स्टार्ट हुई थी और इसको बनते बनते 6 साल लग गए, और फिर फाइनली इस फिल्म को साल 1998 में जुल्मो सितम के नाम से रिलीज़ किया गया था, और इस फिल्म की स्टोरी भी पूरी चेंज कर दी गई थी। और इस फिल्म में हमें अजय देवगन और करिश्मा कपूर की जगह अर्जुन सरजा और मधु देखने को मिले थे, और इस तरह से धर्मेंद्र और अजय देवगन बड़े पर्दे पे एक साथ आते आते रह गए, और आज तक इन दोनों एक्टर्स को हम किसी भी फिल्म में एक साथ नहीं देख पाए। तो दोस्तों, युद्धवंश मूवी के बारे में आप सबकी क्या राय है कि ये मूवी अगर धर्मेंद्र और अजय देवगन के साथ ही कंप्लीट की जाती तो बॉक्स ऑफिस पे कितना कलेक्शन करती? और इसके अलावा धर्मेंद्र और अजय देवगन की जोड़ी बड़े पर्दे पे एक साथ कैसी लगती? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।